नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई दिनारा विधानसभा क्षेत्र से आ रही है। राजेंद्र सिंह जो कि लोजपा के प्रत्याशी बनाए गए थे, बीजेपी छोड़कर उन्होंने चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकारा था। दिनारा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी के विजय कुमार मंडल के हाथों दिनारा विधानसभा क्षेत्र से राजद के महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल जीत कर सामने आए हैं। इन्होंने दिनारा से राजेंद्र सिंह को मात दी है। राजेंद्र सिंह लोजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि जय कुमार सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री रहे, जिनके खिलाफ राजेंद्र सिंह ने मोर्चा खोला दिनारा में लगातार, उनके चुनाव प्रचारों में भी आपने देखा होगा कि उनकी जो लड़ाई थी वो जय कुमार सिंह से थी। जय कुमार सिंह को बेशक राजेंद्र सिंह ने हराया, दूसरे नंबर पर राजेंद्र सिंह आए, जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन पहले नंबर पर जो आए हैं वो राजद के प्रत्याशी हैं विजय कुमार मंडल, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लोग लड़ाई सोच रहे थे, जो लड़ाई थी वो मुख्य तौर पर जय कुमार सिंह और राजेंद्र सिंह के बीच में थी। दिनारा का जो चुनावी मैदान था लोजपा और जेडीयू के लड़ाई के वजह से काफी चर्चा में आया, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे राजेंद्र सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ठीक बड़ा फैसला लिया, लोजपा में जाकर शामिल हुए। जब एनडीए से लोजपा अलग हुई, चिराग पासवान ने अपनी अलग लड़ाई छेड़ी, राजेंद्र सिंह बीजेपी से लोजपा में जाकर मिले और उन्हें हार का सामना दिनारा विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ रहा है। राजद के साथ उनकी कड़ी टक्कर हुई और राजद के विजय कुमार मंडल को जीत हासिल हुई है। काफी कम वोटों के अंतर से राजेंद्र कुमार सिंह जो हैं वो हारे हैं विजय कुमार मंडल से, और वहां पर जय कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, उनका बोलबाला था दिनारा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इस बार के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी ने एनडीए के प्रत्याशी को हरा दिया है। जय कुमार सिंह दिनारा विधानसभा क्षेत्र से हार चुके हैं और वहां पर जीत मिली है राजद के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल को। आपको पता है कि बीजेपी में राजेंद्र सिंह का कितना बड़ा नाम था, और हमने आपको पहले भी खबरों में दिखाया था जब राजेंद्र सिंह शामिल हुए थे लोजपा में, कि उनका जो कद था बीजेपी में कोई सोच भी नहीं सकता था कि चुनाव से ठीक पहले वो ऐसा फैसला लेंगे, लेकिन वो लोजपा में शामिल हुए, दिनारा से चुनाव लड़े और काफी कम अंतरों से हार गए विजय कुमार मंडल, जो कि राजद के प्रत्याशी रहे, महागठबंधन के प्रत्याशी रहे, उनसे चुनाव हार चुके हैं। राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह भी हार चुके हैं, तीसरे पायदान पर आ चुके हैं जय कुमार सिंह। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।